बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में रैली में राजनाथ सिंह ने कहा है कि जो लोग सरहद पार बैठकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रहे हैं, अगर भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात हुई तो जहां बैठे हैं वहां मारे जाएंगे। उधर हिजबुल्ला के पूर्व चीफ हसन नसरल्ला का आज अंतिम संस्कार किया जा सकता है। सऊदी मीडिया के हवाले से खबर है कि अंतिम संस्कार के समय ही नसरल्ला के उत्तराधिकारी की भी घोषणा हो सकती है, यानी नसरल्ला के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ही हिजबुल्ला अपने नए चीफ का ऐलान कर देगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि नसरल्ला के चचेरे भाई हाशिम सफीद्दीन हिजबुल्ला का नया चीफ बन सकता है। सफीद्दीन नसरल्ला और नईम कासिम के बाद के टॉप तीन नेताओं में शामिल है और इसके साथ ही वो हिजबुल्ला के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता है। वो हिजबुल्ला की जिहाद परिषद का सदस्य भी है। और इधर हसन नसरल्ला का शव मलबे से निकाल लिया गया है, आज उसका अंतिम संस्कार हो सकता है। और इस बीच यह भी बताया गया कि उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि शरीर पर अगर चोट के निशान नहीं है तो फिर उसकी मौत की वजह आखिर है क्या, आखिर कैसे हुई नसरल्ला की मौत, देखिए इस रिपोर्ट में। गया हसन नसरुल्लाह का शव, नसरुल्लाह के शरीर पर नहीं चोट के निशान। क्या बनी हसन नसरुल्लाह की मौत की वजह? लेबनान में शुक्रवार शाम हुए हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह का शव बरामद कर लिया गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बेरूत में इजरायली हवाई हमले के बाद मलबे में बदले बंकर से काफी खोज के बाद हसन नसरुल्लाह के शरीर पर सीधी चोट का निशान या कोई घाव नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ब्लास्ट के बाद दम घुटने और ट्रॉमा से नसरुल्लाह की मौत हो गई। दरअसल इसराइल की ओर से हमले के बाद यह दावा कर दिया गया था कि उसने नसरुल्लाह को मार गिराया। हिजबुल्लाह ने शनिवार को बयान जारी कर नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि भी की थी। इजरायली आर्मी ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर किए गए सीक्रेट ऑपरेशन में शुक्रवार को उसे अंडरग्राउंड भूमिगत बंकर पर हमला किया था, जहाँ नसरुल्लाह और कई दूसरे हिजबुल्लाह कमांडर बैठक कर रहे थे। ये बंकर दक्षिण बेरूत की एक व्यस्त सड़क से 60 फीट नीचे होने का दावा किया गया था। चौसठ साल का नसरुल्लाह दुनिया के सबसे ताकतवर सशस्त्र संगठनों में एक हिजबुल्लाह का नेतृत्व बीते तीन दशक से संभाल रहा था। इजरायल रक्षा बल ने हिजबुल्लाह की मौत के बाद भी लेबनान में हमले जारी रखे हैं। इजरायली सेना लगातार लेबनान, खासतौर से दक्षिणी लेबनान में बम बरसा रही है।